इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था, बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाशगंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। के सम्मानित सदस्य, हमें इस बात का अत्यंत खेद है कि आज हमारे सामने एक बार फिर विनाश का कारण उपस्थित हो गया है, जिससे ओमियान के अस्तित्व के समाप्त होने का भय उत्पन्न हो गया है। हमारे आर्याना आकाशगंगा के ग्रहों के सभी निवासी सदैव मेल मिलाप से रहते आए हैं। हम अपनी हर समस्या का समाधान ओमियान संविधान के अनुसार ही करते आए हैं। हमारे इस ओमियान संघ की स्थापना जीवन के मूल्यों को आधार बनाकर की गई है, ताकि ओमियान संघ इस आकाश गंगा के निवासियों के हितों की रक्षा कर सके। परंतु आज इतिहास अपने आप को फिर दोहराना चाहता है। हमारी शांति भंग होती जा रही है, हमारी आकाशगंगा पर संकट के बादल घिर आए हैं।
और उस संकट का नाम है नरक। महान होशेन, हमने तो सुना है कि नारक जोबो ग्रह के महाराज शोण की पुत्री से बलपूर्वक विवाह करना चाहता है। इसीलिए तो हमने यह आपातकालीन बैठक बुलाई है। हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि नारक राजा शोण पर आक्रमण करने के लिए जागुग्रह जा रहा है। हमने अपने उपग्रह के उपकरणों से उसे उस एक संघ से निकलते हुए देखा है। ओमियान का निर्णय क्या है महान होशेन? हमारा ओमियान संघ किसी भी समस्या का निर्णय लेकर चेतावनी दे सकता है, पर दुष्टों के इरादे और अहंकार की जय यात्रा को नहीं रोक सकता और न ही बदल सकता है भविष्यवाणी। क्या भविष्यवाणी हो सकती है महान होशेन? भविष्यवाणी यह कहती है कि महासामंत नारक जिस राजा से विवाह करना चाहता है उसी राजा का पुत्र उसका संहारक होगा, उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। भविष्यवाणी यह भी कहती है कि राजा का यह पुत्र हार का मुक्तिदाता और जिस क्षण वो जन्म लेगा उस क्षण थार में हजारों वर्षों के बाद बरसात होगी। परंतु अहंकार से घिरा हुआ मूर्ख नारक इस भविष्यवाणी को नहीं जानता और अपनी मृत्यु को जन्म देने वाली राशा से बलपूर्वक विवाह करने जादूग्रह जा रहा है। हम जादूग्रह के निकट पहुंच चुके हैं महासामंत नारक, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप चाहे तो संपूर्ण ब्रह्मांड की एक से एक सुंदर कन्या को अपनी दासी बना सकते हैं, फिर आपने रासा में ऐसा क्या देखा जो आप उसे ही अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं? कुर्बक, तुम नहीं जानते रासा अद्भुत गुणों की स्वामिनी है। अद्भुत गुण? वो कैसे? रासा का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो सवितान आश्रम की परम योग्य शिष्या और स्नातक है। सवितान आश्रम की स्नातक और शिष्या होने से क्या होता है महासामन? कुर्बक, सवितान आश्रम एक ऐसा महिला आश्रम है जहां महिलाओं को शक्ति संपन्न और स्वावलंबी बनाया जाता है, भौतिक शिक्षा के साथ साथ दैवीय गुणों से भी संपन्न किया जाता है। सवितान आश्रम की शिक्षित महिला भौतिक शक्तियों की ज्ञाता और स्वामिनी हो जाती है। संसार में उससे कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। अच्छा, तो रासा ऐसे सवितान आश्रम की शिष्या है? सिर्फ शिष्या ही नहीं, सवितान आश्रम की लड़कियों में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके द्वारा पैदा की गई संतान बहुत ही महान और तेजस्वी होती है। अब देखना, मैं अपनी संतान की सहायता से पूरे ब्रह्मांड पर एक छत्र राज्य स्थापित करूंगा। अब देखना कुर्बक, वो दिन दूर नहीं जब सारे ग्रहवासी मेरे दास होंगे। जाबो ग्रह के सभासदों, हमें विश्व सूत्रों से पता चला है कि महासामंत नारक हम पर किसी भी क्षण आक्रमण करने वाला है। जब से नारक कौशिक संघ का अध्यक्ष बना है उसने आर्याना अंतरिक्ष के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। वो छोटे मोटे राजाओं को कर्ज देकर अपनी मुट्ठी में कर लेता है और फिर धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति कौशिक संघ में मिला लेता है। ना जाने आगे चलकर नारक की महत्वाकांक्षा क्या रूप लेती है, समझ में नहीं आता। महाराज शोण, हमें नारक के ऐसे कार्यों का विरोध करना चाहिए। जब हर कोई
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसकी शरण में जाता है तो कोई उसका विरोध कैसे कर सकता है। दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनको कमजोर करना तारक की एक चाल है, लेकिन उसकी इस चाल का कोई जवाब तो ढूंढना ही चाहिए। महाराज शोन की शीघ्र सूचित हो। महाराज शोन की जय हो। महाराज आपकी शंका सच साबित हुई। उपग्रह के पर्दे पर मैंने अभी भी देखा कि नारक की सेना हमारे जाबुग्रह की ओर आ रही है और वो लोग कुछ ही दूरी पर हैं। हमारी सेनाओं को सावधान कर दो, जाबो के चारों तरफ घेराबंदी कर दो। मैं किसी भी कीमत पर नारक के नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। पिताजी आप ऐसा मत कहिए। रासा अपने जीते जी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। आपका जीवन अमूल्य है। नारक केवल मुझे पाने के लिए जाबू पर आक्रमण कर रहा है। मैं अपने जीते जी जाबू का विनाश नहीं होने दूंगी। मैं नारक के शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूंगी। नहीं बेटी, मैं तुझसे इतना बड़ा बलिदान नहीं दूंगी। मैं जानता हूं तू भी नारक से घृणा करती है। तू ही क्या, ब्रह्मांड के सारे शास्त्रीय लोग नारक की महत्वाकांक्षाओं से घृणा करते हैं। मैं अपने जीते जी तुझे उसके हवाले नहीं कर सकता। नारक के आक्रमण का उत्तर दिया जाएगा। नारक ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया महाराज और हम हारने की स्थिति में हैं। बेटी रासा तू अपने कमरे में जा, मैं अपनी जान दे दूंगा परंतु नारक को तुझे स्पर्श भी नहीं करने दूंगा। तू जा बेटी जा। नहीं पिताजी, आपका जीवन जाबू के लिए मूल्यवान है, आप नारक की बात मान लीजिए। महाराज महाराज नारक ने अंतिम चेतावनी भेजी है, समर्पण या जाबू का सर्वनाश। सेनापति आप नारक को संदेश भेज दीजिए, मैं तैयार हूं। जाबू नरेश शोण को महासावन नारक का भी वादन। नारक यह अन्याय है, मैं उम्यान में जाऊंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा, अवश्य मेरी सहायता करेंगे। ये तुम्हारी भूल है शोण, वो तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। उम्यान ब्रह्मांड का संरक्षक है, ब्रह्मांड में शांत व्यवस्था का उत्तरदायित्व ओमियान पर है। तूने ब्रह्मांड का संविधान भंग किया है, तुझे दंड अवश्य मिलेगा। दंड और वो भी नारक को। पहले ये बता शोण, तेरी पुत्री रासा कहाँ है?
रास्ता तुझे नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? मैं उसे ब्रह्मांड के किसी भी कोने से खोज लूंगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है नारक, मैं यहाँ हूँ। ये हुई ना बात। वो नहीं नारक, मैं यहाँ हूँ। नारक, ये झूठ बोल रही है। असली रासा मैं हूँ। नहीं, असली रासा मैं हूँ। नारक, इनकी बातों में मत आना, ये मायावी है। असली रासा मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ रासा। असली रासा तो सिर्फ एक है और वो मैं हूँ। अगर असली रासा स्वयं अपने आप को मेरे हवाले नहीं करती तो मैं सबका वध कर दूंगा, और सबसे पहले शोण का। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं, हमें तुमसे यही आशा थी रासा। नहीं बेटी, मेरे जीते जी तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरी बात मान लीजिए पिताजी। मैं अपने पिता का और सहेलियों का वध होते नहीं देख सकती। चलो नारक। तो क्या ये नारक वही नारक है आचार्य, जिसका आतंक आज पूरे ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है? हाँ, वही नारक। और दुख की बात तो यह है कि उसकी पैशाचिक शक्तियां और भी बढ़ गई हैं, वो और भी खुखार हो गया है। तो आपने उसे रोका क्यों नहीं आचार्य? रोक सकता था, लेकिन उसे रोकना मेरे भाग्य में नहीं है। उसे रोकना तुम्हारे कर्म में है आर्यमान। गुरुक्षेत्र की तुम्हारी सारी शिक्षा तुम्हें उसी लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए की गई थी। आपने ओमियान में भविष्यवाणी की थी कि रासा का पुत्र ही नारक का संहारक होगा। भविष्यवाणी तो विधाता करते हैं, मैंने तो केवल सत्य सुनाया था। रासा का पुत्र ही नारक का संहारक होगा। तो क्या मैं रासा का पुत्र हूं? हाँ। अर्थात नारक मेरे पिता है? नहीं, परंतु नारक तो रासा को उठाकर ले गया था ना। ये जीवन बहुत रहस्यपूर्ण है आर्यमान। जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। तो जो कुछ भी हुआ है क्या वो सत्य नहीं था? सत्य था, परंतु एक और सत्य समय की गर्भ में प्रतीक्षा कर रहा था। कौन सा सत्य? तुम्हारे जन्म का सत्य। ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र जिसके नेत्र कान है ब्रह्मांड का